अरे ठीक है, एक्सेप्टेड है, चलिए खाइए। गाइस देखिए, आदि का जो हाल है उसमें ज्यादा मिर्च नहीं था, मिर्च हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 7:30 और आज तो मैं थोड़ा जल्दी उठा था 6:30 बजे, लेकिन गाइस बाहर इतनी ठंड थी कि वापस फिर जाके सो गया। मैं बाहर उठा फिर सो गया वापस जाके, तो अभी फिलहाल उठना पड़ेगा गाइस, 8 बजे ऑफिस जाना होता है। इस चक्कर में जैसे तैसे करके 7:30 बजे नींद खुली है मेरी। ये दोबारा एक बार अगर उठ जाओ दोबारा सो जाते हो तो फिर जल्दी नींद भी नहीं खुलती है। तो अभी उठ के गाइस बाहर पानी वानी लगाया गर्म होने के लिए, देखिए बाहर इतना ठंडा। और पानी ये हमारा जो पानी हमारे यहाँ आता है, ये गंगा जल परियोजना के तहत जो पानी आता है वो वाला, इतना ठंडा पानी होता है गाइस, क्योंकि डायरेक्ट टंकी से आता है। मतलब एक एरिया में बड़ा एक टंकी होता है, उसी से पानी आता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है गाइस ये पानी। अभी हाथ से छुआ तो हाथ में जैसे लगता है कि बर्फ पकड़ लिया मैंने। तो चलिए फिलहाल ये पानी गाइस भैया के लगाया कि भैया नहाएंगे अभी, तो भैया देखिए वैसे सो रहे हैं अभी, फिर उठ के फिर नहाएंगे। आदि रेडी हो गए? नहीं ऑफिस जाएंगे बस, मूड हो अच्छा। तो चलिए गाइस अभी फटाफट से हम लोग रेडी होते हैं, क्योंकि रेडियो के ऑफिस भी जाना है और कल तो मस्त मजा आ गया। 5K मतलब यूट्यूब फैमिली हो गए, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिलहाल अभी सबसे पहले रेडी होते हैं, वरना आज फिर लेट हो जाएगा। बस आके वहाँ से कॉल आने लगती है तो फिर देखा जाता है, फिर हम लोग हड़बड़ा के भागना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, अब रेडी होते हैं। तो गाइस अभी रेडी होके आ गया हूँ मैं, और आते ही गाइस सबसे पहले आदि का चाय भी बन गया और भाभी ब्रेकफास्ट बना रही है किचन में। तो ब्रेकफास्ट भी देखिए सर्व हो चुका हम लोग का, क्योंकि टाइम लगभग गाइस 8:05 हो गया है। तो चलिए फटाफट से खाते निकलते हैं। आज सुबह सुबह उठकर उठने का मन नहीं करता जब के टाइम में इतना ठंड है क्या आदि। तो चलिए सबको दिखाते हैं। हाँ 5 बजे अगर कोई उठा दे तो मजा आ जाता है। वाह वाह, तो ये देखिए गाइस भाभी भाभी हाय गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह बिल्कुल अच्छा है, भाभी एकदम बिजी। और तेरी कहाँ किसमें बेल रहे हैं आप, इन किसमें रखे? अरे आटा बहुत फैल जाता है। क्या बना दिए आप आज? सुबह सुबह मुंह कड़वा हो जाएगा गाइस आज। क्या ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट निकल चुका है। तो चलिए गाइस फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, और ये आदि का बनाया हुआ चाय। तो चाय और करेला रोटी तीनों चीज फटाफट से खाते पीते फिर मिलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर से, तो बाय भाभी। चलिए गाइस चलते हैं फटाफट, बाहर का मौसम तो आपको पता ही है कैसा है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रोड पे, तो अपने घर के मतलब सोसाइटी के बाहर ही। और गाइस आते ही तब खाने को वाला हवा चला है भाई, बिल्कुल शरीर जो गर्म था ना घर से निकले थे पूरा ठंडा हो गया गजब का। मेरा गर्दन ढकाया हुआ। अच्छा मेरा तो इससे ऐसे ऊपर करेंगे तो ढक जाएगा गर्दन, तो हम तो नीचे करते हैं तो गर्दन ढका। तो चलिए गाइस चलते हैं, गाड़ी भी आ चुकी है हमारी, अभी कॉल आया था जस्ट। तो चलिए फटाफट चलते। एक बात है, गाड़ी में लेकिन गर्म रहता है मौसम, क्या कांच वाँच जो बंद रहता है और सबका सांस की वजह से पूरा गर्म रहता है गाड़ी रहता है। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस के बाहर, और ये रही हमारी बस। क्या उपेंद्र, ये रही हमारी ऑफिस बस। और ठंड लग रही है? अरे बहुत ज्यादा यार, पूछो उसको चैन लगाओ ना, खोले क्यों घूम रहे हो, खानी भी तो है। तो चलिए गाइस चलते हैं अब ऑफिस के अंदर। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 10:45, और अभी हो चुका है हमारा टी ब्रेक, और ये देखिए चाय भी हमारा आ चुका है भाई। अभी अभी नहीं हुए 43 हुए अभी, 2 मिनट कोई 2 मिनट, हाँ तो हो ही गया लगभग गाइस टाइम। और सुनो एक खास बात उपेंद्र, मेरा चाय अभी तक पूरा भरा हुआ रखा हुआ गाइस, देखिए मेरा तो खाली कर दी। उपेंद्र ने पी भी ली, मतलब चाय अभी आया वो 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो गर्म चाय पी लेते हो तुम, क्यों भाई ऐसे? मजा उसी में आता है, ठंडी चाय अच्छी है, नहीं तो उतना गर्म भाई साहब मुंह जल जाएगा। नहीं ठंड में गर्म चाय पीनी चाहिए। हाँ ये बात भी है, ठंड में चाय का गर्मी पता नहीं चलता, हो तो तुरंत खत्म हो जाता है ना, मुझे तो गर्म चाय। तो गाइस अभी ठंड में चाय तो आ गई मस्त बिल्कुल, ये हमारा पुराना कप है जो PN एक्सपोर्ट में गुंजन लेके आई थी, गुंजन की निशानी। गुंजन फिलहाल गाइस अभी है नहीं, क्योंकि वो आपको बताएंगे आगे चल के कि गुंजन हमारे साथ अभी क्यों नहीं है ऑफिस में। तो फिलहाल चलिए चाय में कॉन्सेंट्रेट करें और चाय पीते हैं पहले। तो गाइज अभी हम लोग लंच करके आ गए हैं बाहर टहलने के लिए, और गाइज आज कल लंच खा के तो मेरा अजीब सा लग रहा, करेला था। तो
का जैसे जैसे खत्म तो कर लिया गाइस, लेकिन और आज हम लोग यहाँ खड़े क्योंकि धूप आ गया है गाइस, 5-6 दिनों के बाद आज धूप लग रहा है, तो इसलिए थोड़े से धूप में खड़ा होकर फिर हम लोग चलेंगे ऑफिस के अंदर। वैसे लंच टाइम खत्म हो चुका है बट हम लोग बहुत लेट निकले थे, जब लंच खत्म हो रहा तो हम लोग बाहर निकले थे, इस चक्कर में थोड़ा सा 15-10 मिनट रुक के फिर हम लोग यहाँ से ऑफिस के अंदर चलेंगे। चलिए थोड़ा धूप सेकते हैं बैठ के। तो गाइज अभी मैं हम लोग ऑफिस से आया हुआ गाइज, लगभग आधा घंटा हो चुका है और भाभी और भैया दोनों लोग नहीं थे, लोग मॉल घूमने गए थे गुपचुप खाने के लिए, तो ऐसे मन था गाइज भाभी को थोड़ा गुपचुप खाने का, तो भैया लेके गए थे गुपचुप खिलाने के लिए भाभी को, तो इसीलिए अभी होता है ना, आते हैं चेंज कर लेते हैं फिर हमको बोलते जाने तो हमको आलस आ जाता है। आज आप पहले से आज आए और हम नीचे ही खड़े थे। ओ भाई गाड़ी सुने और हम लॉक करके नीचे पहुंच गए। तो अभी गाइज आदि चाय बनाने के लिए गए हैं और अच्छा बना भी लिया चाय, ये देखिए गाइस आदि चाय भी लेके आ गए। शुक्रिया। एक्चुअली भाभी लोग बाहर से आए हैं तो ठंडा है, कैसे आदि का तो भाभी आपको दिल से तारीफ दे रहे हैं क्योंकि भाभी बाहर से आए हैं और आप चाय बना के ला दिए, क्या बोले मन पूछी क्या बात है। तो चलिए गाइस चाय पीते हैं पहले भर भर के। तो गाइस चाय पीने के बाद आज भाभी तो ऐसे स्नैक्स में कुछ बनाए नहीं है क्योंकि ये लोग बाहर चले गए थे थोड़ा, क्योंकि खुद ही गुपचुप खाना था इन लोगों को। तो अभी फिलहाल गाइस भाभी हम लोगों को एक चीज लाने का ऑर्डर दिए हैं और उससे गाइस भाभी कुछ अच्छा सा चीज बनाएगी खाने वाला। तो गाइस उसमें मूढ़ी वगैरह बहुत, मूढ़ी गाइस आप लोग समझते हैं ना मूढ़ी, मतलब देखिए हर जगह उसका अलग अलग नाम है, बिहार में उसको मूढ़ी बोलते हैं, झारखंड में उसको खजारी बोलते हैं, यूपी में उसको यूपी में क्या बोलते हैं भूल गए, यूपी में क्या बोलते हैं हमको पता है मुरमुर, मुरमुरे के साथ साथ और भी कुछ बोलते हैं। एक मिनट पूछते हैं भाभी यूपी में मुड़ी को क्या बोलते हैं, लैया, लैया बोलते हैं गाइस। तो वो लेके चल रहे हैं और उससे भाभी कुछ बनाने वाली है, तो पहले चलिए उसको निकाल के फिर दिखाते हैं आपको कैसे कैसे निकाल के लेके चल रहे हैं और मेरे साथ असिस्ट कर रहे हैं आदि गाइस आपका आदि की गतिविधियों को दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल हंसते हंसते बेचैन हो जाएगा, लेकिन आपको दिखा नहीं रहा अभी क्योंकि ये इशारे समझ गए आप क्या क्या इशारे कर रहे हैं। तो गाइज ये देखिए ये मूढ़ी में आलू सरसों तेल और क्या क्या डालने वाले इसमें आप, इसमें प्याज मिर्ची, प्याज तो हम छील रहे गाइज देखिए यहाँ पे प्याज कट करके छीलने जा रहा हूँ और बाकी इसमें जो जो चीजें डालेंगे गाइज सारी चीज आपको दिखाएंगे। फिलहाल सभी आदि को सब कुछ इसमें डालने देते हैं फिर बताते हैं आपको क्या क्या आदि डालते हैं इसमें और आपको नाम तो गाइज देख के पता चलेगा। वैसे नाम इसका झाल मुठी तो नहीं बोल सकते क्योंकि आलू वालू सब, इस वजह से भाभी का ही नाम पूछेंगे क्या है, लेकिन ये स्नैक्स बहुत हेल्दी है गाइज, खाने में बहुत ज्यादा मजा। ओ भाई क्या किया मिक्सचर भी, ये क्या किया आप, ये क्या किए इसको उठाइए भाई साहब ये नहीं चलेगा, पूरा बर्बाद कर दिए हैं आप। अभी डायरेक्ट कैमरा मेरे फ्रंट पे, अगर बैक में रहता था हमको कुछ टिप्स देते ना जो कि हम कस्टमर के सामने नहीं दे सकते। तो गाइस ये देखिए इसमें आलू वालू डल चुका, तो इसमें भाभी हल्दी क्यों नहीं, आधी हल्दी लिखे ना हल्दी भी डालेंगे। सुनो हल्दी धनिया लाल मिर्च चिकन मसाला गरम मसाला सब ले आओ, सब्जी बना देते हैं इसमें पानी डाल के, लहसुन भी लहसुन अदरक भी थोड़ा सा लेगा अदरक सच में इसमें ऐसे ही रहता है ये सही गीला हो गया एक बार हम ओ जल जाएगा भाई, यही इसमें समोसा रहता है। आए हाय समोसा ले आएगा बताइए ना, अभी भी ले आ सकते हैं टाइम बहुत हो गया, चलो आजा बट हम सोच रहे आजकल हम चाइनीज फूड अब नहीं खाएंगे इसीलिए समोसा नहीं खा सकते, समोसा तो चाइनीज फूड में आता है। कौन बोला रे समोसा चाइनीज फूड में आता है, यही जो है। तो गाइस भाभी इसको क्या बोलेगा, झाल मुड़ी तो है नहीं, इसको क्या बोलेगा, झाल मुड़ी पर झाल नहीं है, ये फक्का मुड़ी है, फक्का मुड़ी है, ऐसे करके खा लीजिए। अच्छा बस तुम लोग कल समोसा लेके आना तो बनाएंगे हम फिर से, ठीक है ओके। तो गाइस चलिए इसको जरा एंजॉय करें कैसा लगता है खाने, भाभी खिला दीजिए अपने हाथ से थोड़ा देखते हैं खा के, खुद खाना देख रहे नहीं तुझे। चलिए गाइस भाभी के यहाँ से थोड़ा सा खाते, मिर्च है बाप रे बाप, मिर्च खिला रहे बताइए, दे 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 खा के देखते हैं अच्छा बोलता हूँ। गाइस टेस्ट तो गजब आ रहा है गाइस, वाह मस्त। मैं भाभी तो भाभी जो खा रहे थे चावल दाल खा रहे थे, देखिए बोला जाता है कि कभी भी ऐसे बना के नहीं खाना चाहिए, हम खा सकते हैं लेकिन उसके पीछे कुछ मिलेगा तब। अच्छा बेटे बताइए,
हम तो आपको 3 दिन ऑफर दिए बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्या दीजिए? आप 9 बजे बोले थे जैसा कपड़ा पहने वैसे ही बाइक से जाना, ऐसे प्रॉमल उसमें भी हम एक्सेप्ट किए थे, नहाने का वो भी हम एक्सेप्ट किए थे बट आप ही पीछे। हम अभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं खा लेंगे, नहीं कर पाएगा, फिर वो हम पे छोड़ दीजिए, धसड़ लीजिए, आपको भूख लगा लगे, शाम को कुछ खाया नहीं है, और क्या चाहिए? कौन कौन बचा के लाया? हम सच बोलो, पूरा खा लिए, पूरा। तो चलिए गाइस मूढ़ी खाते हैं। अब पहले मूढ़ी, लैया, खजारी, और क्या नाम है इसका? खजारी, खजारी वगैरह बनाया था इसको, मुरमुरे। तो आदि जो धड़ाधड़ आप खाए हैं तो ये खाइए ना जी, ये कहा नहीं खा रहे हैं? हम खाते हैं मिर्ची कभी, जीवन में आज तक कभी नहीं खाया 20 साल की उम्र में। हाँ हाँ, तो कर रहे हैं तो गलती से मुंह में चले गया तो ये पूरा खाइए, बिना सुसुवाले कीजिए, 500 रुपए इनाम, ये पूरा खाइए, 500 निकालिए। अरे पेटीएम करेंगे निकालना क्या? 100% सुसुवाना नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, खा ले, खाइए एक साथ या दो, पूरा पूरा एक साथ चबाना है, चबाना नहीं घोटना भाई, वैसे तो कोनो पानी के साथ घोट जाएगा। नहीं पानी नहीं पियेंगे ना, नहीं एक बार में पूरा घोट गए मतलब चबा गए आप तो 500 आपका। चलिए ठीक है, उसमें भैया आधा उठाइयो नहीं आता है भाई साहब, इतना भी तो आधा जैसे उठा लिया आप, नहीं करना है। अरे ठीक है, एक्सेप्टेड है, चैलेंज आपका, खाइए। 500 के लिए मिर्चा खा लेगा तू? हाँ तब क्या, देगा पहले पूछ लो, बेईमान है, तब तो फिर भरोसे टूट जाएगा। नहीं तो तुम क्या कर, पहले शर्त तो लगाइए तब ना खाइएगा। हम खा रहे हैं। हाँ हाँ, आप भाभी देख लिया, आप लोग गवाह के सामने पहले नोट रखो भाई, तब हम हर एक चीज आपका एक्सेप्ट, हम खाने के लिए तैयार हैं। सुसवाना नहीं है फिर वही चीज, पहले पैसा रखो, चलिए खाइए। हम तो बोल रहे हैं भाई सिसवाएंगे भी नहीं, पैसा रखो, चिबा के खाएंगे, पैसा रखिए आप, खाने के 1 मिनट बाद तक। अब देखिए कितना एक्सक्यूज बना रहे हैं, एक्सक्यूज कुछ नहीं है, 1 मिनट सुसवाना नहीं है, चलिए खाइए। चलिए इसको चबाना नहीं, बुलाए 500। अरे पहले पैसा रखो ना, अरे आपको अभी नहीं देंगे, सैलरी पे देंगे, कभी देंगे ना, ये गलत बात है। अच्छा चलिए खा ले, घर की मुर्गी दाल बराबर सैलरी है तब देंगे। और अगर आप सुसवा दिए तो, अगर सुसवा दिए तो आपको देना पड़ेगा। ये बंदा सोच रहा है खा लेगा इसलिए अभी पीछे हटना चाह रहा है। सुसवा दिए, मतलब सुसवा दिए तो फिर आपको देना पड़ेगा। ठीक है 1 मिनट तक नहीं सुसवाएंगे। अरे तो आदमी तीखा खाएगा सुसवाएगा नहीं, वो यही तो कंडीशन है। हां खाइए, अभी देना पड़ेगा। हां खाइए, गाड़ी देखो भाई पक्का। हां रे तुम क्या 500 के लिए बिक रहा है? इस साला बिक गया हो, खा ले कब, आंख देखिए। हां अब उससे क्या मतलब, वो खा तो रहा है ना जी, चबा के आंख उसका देखो कि मुंह देखो तुम। हो गया सुसुवा दिए, ये कोई बात नहीं भाई, भाई सुसुवाए हैं। अरे वो आदत में सुमार है इसको, अब जैसे मान लीजिए तीखा खाया है तो जरूर थोड़ा सा लार निकलेगा। यही तो बात था कि सुसुवाना नहीं है, ये तो बात नहीं हुआ। मेरी आदि आपको 500 का दिलवाया जाएगा, जब भी शर्त शर्त होता है। अभी 1 मिनट बचा हुआ है सर, अभी वो चिबा के खाएं जी पूरा ऐसा। हाँ कहीं चिबाए थे ये घोट गए क्या? ऐसा नहीं, जो कंडीशन था नहीं भैया, जो कंडीशन था देख लीजिए, सुसवाना नहीं था, 3 बार सुसवा दिए। ऐसा नहीं गाइस, आप लोग बताओ कि पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ, कमेंट में हाँ हुआ तो हम दे देंगे पैसा, ठीक है। चलिए देखिए अभी 1 मिनट में नहीं हुआ, आह वो कर रहे हैं, देखिए 24 घंटे नहीं हुआ है, 24 घंटे का टाइम है, कमेंट सेक्शन ओपन है। ये तो आह, अच्छा आप अपना दिल पे बोलिए यहाँ बैठ के सुसुवाए हैं कि नहीं। आप भाई सब आंख देखिए बंदे का, दिखाई आधी आधी, आंख दिखाई, आंख दिखाई, आधी आंख दिखाई, आंख और आदि आपको जरूर मिलेगा, 500 जरूर मिलेगा। बाप रे आदि, गाय देखिए आदि का जो हाल है, उसमें ज्यादा मिर्च नहीं था, मिर्च उसमें था मात्र, भाई से पूरा आंख से निकल गया, 1.5 मिर्च था, 1.5, क्योंकि आधा तो मिर्च हम लोग भी खाए थे, 1.5 मिर्च उसमें होगा, और 1.5 मिर्च में आपका यह 1.5 मिर्च का 500 रुपए की बात, मिर्च का किलो भी उतना नहीं है सलाद, 20 रुपए का 250 ग्राम मिलता है, बताइए।
भाभी तो सच में आप विनर है बताइए। आदि ये लेकिन वो पता है क्यों, देखिए बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको खाते ना तो नहीं होता, क्यों बता, आप रेगुलर मिर्ची खाते भी हैं बट हम कभी नहीं खाते मिर्ची। अब मिर्ची घोट भी गया साला ऊपर दुबने, हम देखे वो कभी मिर्ची खाते हुए घर में भी नहीं खाते हम। भाभी पता है आदि क्या है, मिर्च को चबाया नहीं ऐसे तो कर दिया घोट गए। अरे जीव में जो लहराया है ना, दो चार दिन थोड़ा एक एक मिर्ची तो खिला ही रहते हैं फिर भी आज लेकिन दाब मिर्ची कहाँ गया था, आँख आँख ले इसकी गांजा हम जब पी। तो गाइस 500 रुपये मिर्ची ईटिंग चैलेंज में हारने के बाद अभी मैं आ गया हूँ नीचे एग लेने के लिए, क्योंकि आज गाइस सबका मन कर रहा है एग कड़ी खाने का, क्योंकि आलू उबाल के रखा हुआ और आलू वाला जो एग कड़ी होता है वो बहुत मज़ा लगता है खाने की, वो एग में आलू वगैरह मिला के। तो इसीलिए अभी मैं अकेले ही आ गया हूँ क्योंकि आदि अभी थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आदि ही बनाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं और एग वगैरह लेके आते हैं। तो गाइस अंडे ले लिए मैंने और गाइस थोड़ा सा मिर्च के प्याज के पकौड़े भी ले लिए मैंने, क्योंकि भैया को भूख लग रहा था क्योंकि मूढ़ी हम लोग सारा खा गए थे, भैया कुछ भी नहीं खाए थे तो इसलिए थोड़ा सा पकौड़े पैक करा दिए। तो चलिए गाइस चलते हैं घर, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो गाइस देखिए मेरा लाया हुआ पकौड़ी भैया लेके आ गए यहाँ पे, वो खीर भी लाए हैं, वाह की चीज़ अच्छा थी। हम मेरे लिए था ना वो खीर, भैया तो खा चुके हैं खीर अपना हिस्से का। आदि आप खा लो। तो गाइस ये देखिए पकौड़ा आना मस्त दिख रहा ना, चलिए गाइस एक एंजॉय किया जाए। हाँ, एंजॉय तो आलू का नहीं दिया जी, नहीं सिर्फ प्याज के लिए, क्यों एंजॉय क्या, एंजॉय तो कर लेना बट दिक्कत में नहीं गिराना वरना आपको एंजॉय होगा फिर तेल देख, ठंडा ठंडा खीर अकेले अकेले खा रहे हैं भाई, सुना खांसी हो जाएगी, थोड़े बाहर रख देना। आदि खार खीर खा ले खीर, आजो आजो आओ, हाँ इंदे आ आओ ना है खाई लो, नहीं कैसे बोलते आदि अपने भाषा में आप, याँ नहीं खा ले, याँ नहीं खा ले, आ नहीं खा ले पता नहीं। भैया गबा गब मारे जा रहे हैं खीर, और ये भाई साहब आधा कर दिए, खीर बना देंगे खाने दो ना हम खाएंगे। तुम लोग तो ऐसे करते हो साला, हम बनाते हैं खीर हम कभी नहीं खाते हैं, बस ये खाने के चक्कर में मैं पेटों में नहीं जाता हूँ खीर कभी। हम खा लेते लाइए किशमिश था, हाँ है ये पूरा ऊपर ऊपर किशमिश दिख रहा है, सब किशमिश क्या खा गए लो भाई, आओ दिखा दिखा भाई साहब, भाई उनको सच्चे दिल से याद किए किशमिश का, वाह। तो गाइस देखिए आदि यहाँ लग गए हैं बनाने में और ये फ्राई हो गया है, और अभी गाइस एग बनाने के लिए आदि का असिस्टेंट बना हूँ मैं, तो चलिए आदि को सबसे पहले देते हैं ऑयल, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो चिकन नॉन वेज जो भी बनाता है हाँ मतलब कढ़ाई में दे रहे हैं, आपको तेल क्यों देंगे हम, हैं तो हम क्या बता है, इसमें तेल थोड़ा सा है बट थोड़ा सा और तेल डालना पड़ेगा, एग फ्राई करने के लिए तेल इसमें डाला हुआ था पहले से। तो गाइस देखिए से मसाला वसा डाल के अब आदि प्याज फ्राई कर रहे हैं, और गाइस आप लोगों को आज इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आज बन रहा है एग और ये रखा हुआ आलू, तो दोनों को मिक्स करके आज बनेगा एग फ्राई, थोड़ा डिफरेंट है गाइस तो इसलिए आप लोग को आज मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आदि बनाते ही बहुत सुंदर है, वाह आदि वो मेरे बच्चे वाह वाह। तो गाइस देखिए आदि अब इधर मसाला वसाला भून के और ढक दिए पकने के लिए, और आलू अभी छील रहे, तो आलू फ्राई नहीं किया आदि, नहीं अभी मसाला में देंगे फ्राई हो जाएगा, मतलब अच्छा। करेंगे फ्राई इसको भी, अच्छा हाँ उबला हुआ है फ्राई किया तो बह जाएगा नया आलू है ना क्या, तू जाता है एकदम सही बात है, जैसे ना आम के समय में आम कैसे गिरता है पक्का आम ऐसे पक जाता है ना, वैसे ही एकदम तू जाता, चू चूना अलग चीज है, तू ना अलग चीज हुआ, अच्छा हम लोग गाँव में बोलचाल में बोलते हैं था साला ये तो तू वाला है, तू गया है, ये बात छे तो ठीक है। तो गाइस अभी मसाला पकने का वेट करते हैं, जाइए अभी कहाँ जा रहे थे अभी पता नहीं, फोन चार्ज में लगाने जाना था, अच्छा कर लीजिए ठीक, फोन चार्ज कर लीजिए सब ठीक है। गाइस आदि के हाथों का मस्त एग कढ़ी बन के है तैयार, आज स्पेशल आलू वाला है वो भी,
तो गाइज चलिए, टाइम भी हो चुका है रात के डिनर का, रात के 11:30 बज चुके हैं और आज थोड़ा सा लेट हो गया खाने में, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बनने में टाइम लग गया और हम लोग फिर थोड़ा सा बैठ के अंदर आग ताप रहे थे अभी ब्लोअर में, तो चलिए फिलहाल इस टेबल को खाली करते हैं। टेबल पे खाना, नीचे खाना? तो गाइज आज हम लोग नीचे ही खाएंगे, चलिए टेबल पे, टेबल बहुत क्लीन करना है, सारा सामान मिल रहा है उसमें, तो नीचे ही खाते हैं। तो चलिए गाइज फटाफट से अब खाना सर्व करते हैं, फिर खाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज ये देखिए भैया, जब भी नॉनवेज बनता है तो घर में ये सर्व करने का जिम्मेदारी भैया को ही मिल जाता है। तो गाइज देखिए भैया सबका सर्व करो, सबको अंडा के साथ साथ आलू भी दे रहे, देखिए क्योंकि आज का स्पेशल तो आलू ही है एकदम। तो ये मेरा भी निकला हुआ, भाभी को खाने के खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए क्या भाभी इतना काँप का है, रहे बोटल लग रहा है, कपड़ा बदले ना इसीलिए। तो इधर देखिए ना थोड़ा। नहीं देख सकते, सॉरी, कैमरा ऑफ कर दो, खाना खाने दो आराम से। ठीक है, ये देखिए खाना मेरा। ये कहाँ बैठ गया यहाँ दिया, देख रहे ना दुगु, साला खाना खाए वाला बैठा था। कैसा चीज आंदा, आपको भी ठंडा लग रहा है ऐसा मन कर रहा है कि इसको टी शर्ट को खोल बाहर ना, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। हाँ आयरन बॉडी है आपका। तो चलिए गाइस खाना सर्व हो चुका है मेरा, तो चलिए अब खाते हैं। तो गाइस हम लोगों ने मस्त डिनर कर लिया है और आधी घात का एग का तो जवाब ही नहीं, लाजवाब बनाते हैं गाइस, हमेशा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। तो चलिए गाइस खाते खाते और थोड़ी देर बैठे थे हम लोग, तो अभी रात के बज चुके हैं 12:10 और गाइस आजकल सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो 12 भी हम लोगों को बहुत देर लग रही है आजकल सोने में, बट इतना तो डेली बज ही जाता है गाइस सोने में। तो चलिए कोई नहीं, चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा तो प्लीज़ गाइस हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिख बाय, गुड नाइट।